ये शहर लाहौर की पुरानी तरीन इमारतों में से एक इमारत हवेली मियाँ सुल्तान का ये दरवाज़ा, जो कि शहर लाहौर के बहुत बड़े ठेकेदार थे और अंग्रेज़ दौर में इन्होंने बहुत सारा तामीराती काम किया शहर लाहौर में। ये इस हवेली का दरवाज़ा है और इसकी ज़रा कमी भी आप करीब से देखें। पुराने मकानात, ये सारा आप लकड़ी का काम देख सकते हैं। ये शहर लाहौर की असल पहचान ये थी। दियार की लकड़ी की इसकी चौगाट इंतहाई पुरानी, ये देखें, नानकशाही ईंट का इस्तेमाल किया गया है इसमें, इस इमारत में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिरर पैलेस भी इसमें है इसके अंदर। तो ये हवेली मियाँ सुल्तान का छोटा सा विज़िट। ये भी हवेली सुल्तान का एक हिस्सा। ये अब इसका दरवाज़ा तो बंद कर दिया गया है, ये आप इसकी चुगाट देखें और इसके ऊपर लकड़ी का काम। ये सारा उस ज़माने में छोटी ईंट से जो काम किया जाता था, नानकशाही। ये आपको मैं इसकी खिड़कियाँ भी दिखा देता हूँ। इंतहाई पुरानी इमारत ये, और ये एक देवरी सी है जिसमें से गुज़रना पड़ता है। इसको मेरे पुराने बुज़ुर्ग जो कि अंदरून शहर के रहने, इसको परछती कहा करते थे। तो ये ऊपर एक छत सी है, ये परछती कहलाती है। ये असल में एंट्रेंस का एक दरवाज़ा था जो कि अब कोलैप हो चुका है। ये इसकी लकड़ी की कड़ियाँ देखें, ये सारी लकड़ी के गॉर्डर और बाले वगैरह डालकर इसको छता गया है। तो इसको छती कहते थे कुछ लोग, पर छती और कुछ लोग इसको छती कहते थे। ये एक तरह से ये एक एंट्रेंस थी जो कि अब गिर चुकी है। ये दीवार उसकी एक थोड़ी सी ये हद बाकी है, ये यानी कि एक आर्च सी बनी होगी जो कि अब वक्त के साथ साथ गिर कर तबाह हाल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको पुराने लाहौर से भी मुतारिफ़ कराते रहेंगे। इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।